और ये देखिए संदीप जी लोग डालना शुरू कर दिए हैं धान को। हम 6 बजे के रात को आए हैं ले और घुमा। और कुछ इस प्रकार से दोस्त यहाँ पूरा फंस गया है, ये देखिए। और अब दोस्तों पूरा धान खत्म हो चुका है मिंजाई, और टोटल धान कितना हुआ है अब दिखाने जा रहे हैं। अभी धान लाके खत्म हो गया दोस्तों, सभी कोई ब्रश करके आ गए हैं और मैं सबके लिए खाना परोस दी हूँ, ये देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज का और एक नया वीडियो में। और अब ये सुबह का समय, हम सुबह सुबह आ गए हैं खेत तरफ, और यहाँ पास जितना हम धान काटे थे सभी धान को हम बांध लिए हैं। बांधने के बाद खलियाल में हम इकट्ठा कर दिए हैं। और जब भी इस प्रकार से मौसम का दिखाई देना, ये बारिश आने के एक संकेत है। और आज भी दोस्तों देखिए कुछ इस प्रकार से धुंधला धुंधला सुबह सुबह मौसम है, और आज भी बारिश आने का काफी ज्यादा संभावना है। सभी धान को हम लाके यहाँ पास इकट्ठा कर दिए हैं, और हम यहाँ पास नीचे हम धान रखने के लिए एक बोडी बनाएंगे ऐसा सोचे थे, लेकिन समय ना होने के वजह से हम नहीं बना पाए। बस नीचे में हम झिल्ली रख दिए हैं, और ये मौसम को देखते हुए हम कल ही ये ऊपर से तिरपाल डाल दिए हैं। रात में अगर बारिश आ जाएगा तो ये सभी धान फिर से भीग जाता। अभी ये क्या है दोस्तों, बारिश तो उतना निकल गया है, लेकिन जब भी बारिश आता है तो आंधी तूफान आने का बहुत ज्यादा संभावना रहता है। तो हम सभी तिरपाल के कोने कोने में इस प्रकार से ईंट बांध के हम लटका दिए ताकि हवा से ना उड़ाए ऊपर तिरपाल। और इस प्रकार से बल्ली को भी पूरा हम दबा दिए हैं, और मुर्गी भी है हमारे पास 2-4, तो मुर्गी भी ऊपर चढ़ी है धान को खाता, इसलिए हम इस प्रकार से अच्छा से तिरपाल ढाक दिए हैं। और कल हम ये सब करते करते काफी ज्यादा सांझ रात हो गया, और क्योंकि ये धान दोस्तों 2 बार भीग चुका है, और हम तीसरा बार ये धान को हम नहीं भिगाएंगे। अगर तीसरा बार भी हम भिगा देते तो दोस्तों ये जो धान है, इस धान को हम आने वाला साल फिर से हम बो नहीं सकते हैं, क्योंकि उससे अंकुरित नहीं हो पाएगा। तो हम बीज के लिए भी तो थोड़ा बहुत बचा लेंगे बोल के हम सभी काम को बाजू में रखते हैं। यही काम को हम दोस्तों कल पूरा जोर थोर से किए और ये सब इकट्ठा कर पाए हैं। और दोस्तों हम गांव में जो थ्रेसर है जो धान मिंजाई करते हैं उसके पास, वो भैया जी के पास हम गए थे, और उसे हम कल ही कहें कि आइए सुबह सुबह हमारे यहाँ थोड़ा सा धान है, उस धान को हम मिंजाई कर देंगे। और इसे हम सोचे थे दोस्तों कि बैल से करेंगे, लेकिन ये मौसम को देखते हुए हमें बहुत हड़बड़ी में एकदम जल्दी फल्दी में दोस्तों ये ट्रैक्टर फैक्टर से करवा दे रहे हैं। नहीं तो फिर वो बारिश आएगा फिर हम बैल से करेंगे, फिर वो ज़्यादा लंबा वो सब नुकसान पर चला जाएगा। इसलिए चलिए जितना हो पाया है उतना फटाफट कर देते हैं। और ये सब को तो दोस्तों हम खुद बांधे हैं, खुद इकट्ठा किए हैं, ये सब काटे, लेकिन अभी इसमें आदमी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि हम रेशमा जी के साथ हम दो ही हम क्रेशर में मिंजाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर एक आदमी को धान डालना पड़ेगा, नीचे से 2 आदमी देंगे, और धान को फिर बोरा में डालना है, इकट्ठा करना है, ये सब इसमें 2-3 आदमी लगेगा इसको पूरा मिंजाई करने के लिए। तो हम गांव तरफ से 2 भैया जी लोगों को हम बुलाए हैं, तो पता नहीं उन लोग अभी तक पहुंचे नहीं हैं, कितना टाइम पहुंचेंगे। और उन लोग नहीं आएंगे तो आज हम मिंजाई नहीं कर पाएंगे। तो आज देखते हैं दोस्तों, हमारे इस साल का तो धान नहीं था, कितना बोरा या कितना इकट्ठा होता है ये धान। और फाइनली दोस्तों भैया जी लोग आ गए हैं, वो देखिए। अभी हम चलते हैं घर, यहाँ पास अभी हम झिल्ली उल्ली बिछाते हैं और थोड़ा बहुत झाड़ू उड़ू लगाते हैं, और ट्रैक्टर आने के बाद यही हम लगवाएंगे। और इस साइड दोस्तों हम पुअल को डलवाएंगे, बैल के लिए भी पुअल हो जाएगा, और पुराना जो पुअल बचता है उससे पुअल मशरूम उठता है, वो भी खाने के लिए हमें जम जाएगा। तो यही पास हम क्रेशर वाला भैया जी को कहेंगे कि इधर ही पुअल को फेंकवा दीजिएगा बोल के। रमकेलिया हवे ना जाओ ना
और इस साइड देखिए दोस्तों, सुबह सुबह माँ बेटी चावल निकाल लिए हैं, पछार रहे हैं खाना पकाने के लिए। नमस्ते बोल दीजिए माँ बेटिया। माँ बेटिया की ओर से भी आप सभी को प्यारा प्यारा नमस्ते। क्या सब्जी बनाएंगे जी आज? नमस्ते दोस्तों आप सभी को, और प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। आज हम बनाएंगे बरबट्टी का सब्जी, बोधी। भैया लोग भी आए हैं, इन्हें भी हम आज भोजन देंगे। और अच्छा से बनाइए जी, ठीक है ना? और ये ट्रैक्टर वाला नहीं आ रहा है जी? हम तो कल गए थे और बताए थे सुबह ही आऊंगा बोले थे, अभी तक पहुंचा ही नहीं। आएंगे होगा, जंगल रास्ता है ना। अभी दोस्तों ट्रैक्टर आ गया है, संदीप जी लोग भी चले गए हैं काम करने के लिए। अभी हम भी माहे बिटिया के साथ जा रहे हैं। बाबू, हाँ बाबू, चलो। ये चटाई सूपा और ये बड़ा वाला पत्तल हम ले लिए हैं, इसे भी हम साथ में लेके चलते हैं। और ये देखिए संदीप जी लोग डालना शुरू कर दिए हैं धान को, ये धान भी फेंक रहे हैं। और हम सोचे थे वहाँ पास पुअल नहीं गिर रहा है, दूसरा साइड पुअल को फेंक दिया सभी। ये देखिए दोस्तों, हम इसे पुअल को थोड़ा उस साइड फेंकना चाहिए ऐसे हम सोचे थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पास भी रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रहा है। नहीं नहीं, किधर रखिए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए दोस्तों कितना शौकीनदार है। और ये थोड़ा सा था दोस्तों, अभी ये लगभग 20-25 मिनट में खत्म हो जाएगा, इतना ज्यादा 30 साल धान नहीं था। और ये देखिए यहाँ पास हम रखे हैं, अभी माहे रुटिया लोग उधर से लाते जा रहे हैं। और इन्हीं भैया लोगों को मैं कल गया था बुलाने के लिए, आए हैं। हाँ डालिए डालिए। माई और मौसम दोस्तों अभी तक वैसा ही है, पूरा धुंधला धुंधला। ये पड़ोसी भी आए हैं आज दोस्तों, हम धान मिंजाई कर रहे हैं तो देखने के लिए। हमारे गांव में फर्स्ट हम ही मिंजाई कर रहे हैं, और इस साइड माहे बेटा के लिए मजा है यार। तो जो फीगा था बारिश में, वो अच्छा लगे खावे, हर अल्लाह खावे, वो अलग खावे वो नहीं कुछ से ठीक उतारे, थोड़ा सा हल बना ले, तो भाई ये ना जाम हो गया ना, जाम खा के मैं क्या खावे नहीं, अच्छा
बड़े वाला गेड़ा दे धान कच्चा होने के वजह से दोस्तों अंदर में फंस गया है और इतना बड़ा लकड़ी लेके अभी उसको खिसका रही हूँ क्योंकि चिपक गया, आगे जा ही नहीं रहा है, धान नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ दीजिए माही को दीजिए, मैं पकड़ती हूँ। देख के हाथ डालिए जी, उस तरफ से बड़े लकड़ी से उसको धक्का दे रहे हैं दोस्तों, जो बीच फंसा है वो वाला। तो संदीप जी इधर से हाथ डाल के निकाल रहे हैं, लेकिन संभल के निकालिएगा बोल रहे हैं। हाँ हाँ रुक 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 इधर लोगो रुकेगा। अब देखा होता है वो तो याद रहे। हम 6 बजे के रात को आए हैं। नहीं पूछना सामने मतलब मैं उठता हूँ। मैं और एक कहीं जाऊँ घुमा दे, एक कहीं हाथ से घुमा दे, ले ले घुमा दे और एक कहीं। हाँ बस इधर हाथ मत डाल, हाथ मत डाल। हाँ ले और घूम। और कुछ इस प्रकार से दोस्त यहाँ पूरा फंस गया है, ये देखिए। अभी तक खत्म होने के कगार में आ जाता है और इस प्रकार से पुआ लटक गया, ये कुछ देर के लिए स्थगित कर दिए है। और सामने साइड दोस्तों देखिए कुछ यहाँ पास इस प्रकार से फंस गया है। हो ले ये धान भीगने के वजह से इस प्रकार से अटक जा रहा है मशीन। फिर से डंडा की मदद से उसको घुमाया गया दोस्तों, वो पंखा को अंदर का। एक बार चालू करके देखे तो वो चालू ही नहीं हो रहा, अभी दूसरी बार तीसरी बार चालू हो रहा है। हाँ घूम गया, आवाज से ही पता चल जाता है। फिर से चालू हो गया। अभी दोस्तों थोड़ा कम कम डाला जा रहा है क्योंकि छोड़ जाता है गाड़ी के अंदर का पंखा में फूल।
हुआ है, जो भी धान फेंकाया हुआ है दोस्तों सभी को ये चेक कर रहे हैं और इसको एक बार सभी को डाला जाएगा। और एक बार साफ कर दे, डाल दे, डाल दे, डाल दे, डाल दे। और अब दोस्तों पूरा धान खत्म हो चुका है मिंजाई और टोटल धान कितना हुआ है अब दिखाने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये ट्रैक्टर को बाहर निकालने दीजिए, उसके बाद ही दोस्तों ये सब तिरपाल उरपाल को हम साइड में कर देंगे, झिल्ली उल्ली के सब। और जैसे कि हम पहले कहे दोस्तों गांव में हम फर्स्ट, यानी कि हमारा ये फर्स्ट है धान मिंजाई कर रहे हैं इस साल का, तो काफ़ी ज़्यादा लोग भी देखने के लिए आ गए हैं। इतना सारे को हम नहीं बुलाए थे लेकिन देखते देखते दोस्तों इन लोग भी सहयोग कर दे रहे हैं हमें और अभी तो पूरा ख़त्म ही हो गया है। अभी संदीप जी लोग दोस्तों धान मिंजाई तो खत्म हो गया तो सभी धान को अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहीं पास रहेगा तो कोई जंगली जानवर भी आ सकता है और मुर्गियां भी पूरी धान को बर्बाद कर देगी इसीलिए। और सभी धान को हम अंदर लेके आते हैं फिर दिखाते हैं दोस्तों हमारा इस साल का फसल कितना हुआ। हाँ। और अभी सभी धान को ढोते ढोते देखिए दोस्तों इतना ही बच गया है, सब घर के अंदर ले गए हैं। ये वाला बीज के लिए रख रहे थे वो वाला है जी ना? हाँ, इसे हम बीज रख रहे हैं, आने वाला साल इसी को फिर से हम बोएंगे। वो तो पहले वाला काफी ज्यादा भीग चुका है ना, इसी का हम बचा पाए जो घर के अंदर रखे थे। जी। हाँ। अभी धान ला के खत्म हो गया दोस्तों, सभी को ब्रश करके आ गए हैं और मैं सबके लिए खाना परोस दी हूँ। ये देखिए, और ये बाबू भी आया है। जल्दी जल्दी खाओ माई। और अभी हम भोजन कर लिए हैं दोस्तों, अब ये समय है दोपहर का, 12 बज रहा है अभी। और जैसे हमारा खेती उठने के बाद यहाँ पास गुजरात से भेड़ी चराने के लिए भैया जी लोग लाए हैं, जैसे कि पिछले साल में यहाँ पास लाए थे। और माँ बिटिया हम सबको दोस्तों ये जो भेड़ का दूध का हमें चाय पिलाए थे, जल्दी लेके आ गए। जी हाँ, ये देखिए दोस्तों सामने साइड पूरा चरा रहे हैं भैया लोग, काफी ज्यादा है। और कल परसों से इधर ऊँट भी आएगा ना। हाँ। और यहाँ अच्छा चारा है जी, हम कल ही धान को सब खत्म किए ना, यहाँ से सब उठा दिए। डेरा कहाँ है भैया जी आप लोगों का? कहाँ? ये जंगल में सामने वाला नाला है। हाँ, और ऊँट कहाँ है? ऊँट उधर ही है। हाँ। जी जी, वहाँ पास थोड़ा सा भिंडी है उधर के। हाँ, वो जो बैल है ना, बैल के उस तरफ से थोड़ा मत लेके जाइए। नहीं नहीं, ऐसा लेके जाइए, ऐसा खाली होगा। यहाँ पास अच्छा चारा है, आज ही हम यहाँ से धान को उठाए थे और सुबह वो हम मिंजाई कर दिए। माही बेटा को हम दिखा दें आज हमारे घर के पास भिंडी चराने के लिए लाए उसे, और माही बेटिया देखे काफी खुश हो गई, देखते ही रह रही है। हमारे यहाँ जो पड़ोसी लोग आए थे हमें जो धान मिंजाई में सहयोग की, उन लोग भी अपने घर चले गए। और अभी हम चलते हैं दिखाते हैं इस साल का फसल टोटल कितना हुआ है। सभी धान को हम खलियाल से लेके एक जगह पर घर के अंदर में हम रख दिए हैं। और ये देखिए दोस्तों, हम यही पास इस धान को हम कोना में रख दिए हैं। माही बेटे चढ़ गई है वहाँ पास EBCD का जो पहाड़ा है पढ़ने के लिए, और ये कोना में रख दिए हैं तो पूरा सभी साइड बिखर गया है, इसलिए भी ज्यादा धान यहाँ दिखाई दे रहा है। और इसी को हम कट्टा में बोरा में डालेंगे तो काफी कम हो जाएगा, 7-8 कट्टा ऐसे ही होगा, ये ज्यादा नहीं है। जी, और ये बड़ा वाला हम कट्टा लाएंगे और एक साथ जोड़ करके रखेंगे। जी जी, वैसे ही करते हैं। और इसे भी हमें बचाना है चूहा से, बिल्ली से, और भी से खाने के लिए सब इधर उधर आएगा, तो हम वैसे ही करेंगे जो रेशमा जी कह रही है, बड़ा वाला कट्टा में भर के रख देंगे। यहाँ जो धान था दोस्तों ये बारिश में तो भीग ही गया था, इसे एक बार सुखाना भी है धूप में, और सुखा के रख देंगे तो अच्छा रहेगा, वो नमी टाइप का है तो उसे हम यहाँ पास तिरपाल उरपाल डाल के उसमें सुखाना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नहीं तो वो धान है खराब हो जाएगा, हम ज्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम यही तक रखते हैं, और वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए माही बेटा बोल दीजिए बाय बाय।